लोमड़ी को सबक देने वाला घोड़ा। एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वह कभी भी बाकी जानवरों को अपनी बकवास बोलकर डराता था। एक बार नदी के मछलियों के पास जाकर कहा, ओए मछलिये, पानी में अच्छे से मजे कर रहे हो, पर कल नदी से सारा पानी को निकाल देंगे, फिर पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। इससे मछलियां ना कुछ समझते हुए सिर पकड़ लिए। फिर एक बार पेड़ के पास के कौओं के पास जाकर कहा, ओए कौवे, जल्दी ही इस पेड़ को काट देंगे, देर ना करते हुए तुम्हारे घरों को बचा लो। उसकी बात पर विश्वास करके सारे कौवे घबरा कर चिल्लाने लगे। ऐसे लोमड़ी के हर झूठ पर विश्वास करके वह जानवरों का घबराना देख उसे बहुत खुशी मिलती। आगे आगे लोमड़ी को यह एक आदत सी पड़ गई। हर रोज किसी भी एक जानवर को ना डराती तो उसका दिन ही नहीं निकलता। उसी जंगल में एक घोड़ा भी रहता था। वह हरे भरे घास को चरते हुए बहुत सुंदर और स्वस्थ था। वह ना किसी के पास जाता, बस अच्छे से अपना काम खुद देखता। एक दिन घास चर रहे घोड़े के पास लोमड़ी पहुंचा। घोड़े ने उस पर उतना ध्यान नहीं दी। इससे लोमड़ी, यह जंगल में सारे जानवर मुझे देखकर घबरा जाते, नहीं तो कुछ मैं क्या बोलूंगा करके बेसब्री से देखते, लेकिन यह घोड़ा मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी कब्र तो लेनी ही है करके सोचा। बाहर से घोड़े को, अपने प्राणों को बचाना हो तो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। वह क्या मुसीबत है, बोलकर घोड़े ने पूछा। हमारे राजा शेर तुम्हें मारने आ रहे हैं। मैं उधर से ही आ रहा हूँ। लोमड़ी के बारे में पूरी बात जानने वाला घोड़ा उसको सबक सिखाना चाहता था और कहा, अच्छा बस इतनी सी बात है, मुझे शेर से डर नहीं लगता, उसके बारे में तुम परेशान ना हो। बोल के, लोमड़ी लोमड़ी मेरी बात छोड़ो, पहले तुम्हारे प्राण बचा लो, कहा घोड़ा। हाँ मेरे प्राणों को क्या हुआ, करके संदेह से पूछा लोमड़ी। हमारा राजा शेर का एक लौता बच्चा बीमार हुआ, तो उपचार के लिए हाथी के पास जाने पर पूंछ के कोने में सफेद निशान वाले लोमड़ी की खून पीने से बीमारी ठीक हो जाएगी करके बताया। तब से शेर तुम्हारे लिए देख रहा है, तुम दिखोगी तो मार देगा, जाकर चुपके अपने प्राणों को बचा लो, बोलकर कहा घोड़ा। इससे लोमड़ी भयभीत होकर तुरंत जंगल के घने पेड़ों में घुसकर बिना किसी को दिखे घर गया। एक हफ्ता भर बाहर नहीं निकला, खाना पीना छोड़कर घर में ही छुप गया। उसके बाद एक खरगोश लोमड़ी के घर पर आया। लोमड़ी को तो उसे पकड़ने तक की ताकत भी नहीं थी। वह पूरी बात बताकर, शेर आएगा तो देख के बताना मित्र, बोलकर पूछा। तब खरगोश ने कहा, ना ना उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी, तुमने ही तो एक बार कहा था ना, उस तरफ जाओगे तो भेड़िया मार देगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। फिर एक दिन लोमड़ी को देखने गधा आया, वो भी एक कारण देकर उधर से चला गया। भूतकाल में बेवजह उन्हें अपनी बकवास बताकर डराने के लिए लोमड़ी अपने आप को कोसता रहा। 10 दिन बाद घोड़ा आया। शेर आ रहा है कि नहीं, अब तुम ही बताओ मित्र। तब घोड़े ने कहा, शेर नहीं आएगा, जानबूझकर तुमसे मैंने झूठ कहा, क्योंकि तुम सबको अपनी बकवास बताकर घबरा रहे हो ना, डर का मतलब तुम्हें भी पता चलना चाहिए। पहले झूठ बोलने पर लोमड़ी को घोड़े पर बहुत गुस्सा आने पर भी बाद में उसे कुछ नहीं होगा जानकर आराम की सांस ली। तब से सारे जानवरों से बहुत ध्यान से रहती थी।
कहानी की सीख है कि सबसे अच्छे से रहना चाहिए। बकरी के कहे हुए तीन सच। एक गांव में गोपी नामक व्यक्ति के पास बकरियों का झुंड था। वह रोज उन बकरियों के चराने के लिए पास के जंगल में ले जाता था। वे पूरे दिन उस जंगल में खुशी से चरते थे और शाम तक घर पहुंच जाते थे। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बच्ची थी। वह उम्र में छोटी होने के बावजूद बुद्धि में सारे बड़े बकरियों से कुछ कम नहीं थी। उसकी बुद्धि को देख बाकी के सारे बकरियां चौंक जाते थे। इससे मालिक खुश होकर बहुत ही लाड़ प्यार से उसकी ध्यान रखता था। एक दिन गोपी ने अपने बकरियों के झुंड को जंगल के पहाड़ी के पास ले गया। उनको चरने के लिए छोड़कर वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो छोटी सी बकरी की बच्ची उधर इधर उछलते हुए झुंड से अलग होकर कहीं दूर चली गई। कुछ देर बाद अपने मित्रों से बहुत दूर आ गई करके सच जानकर फिर से वापस लौट चली। वह ऐसे ही वापस जा रही थी, तभी अचानक उसके सामने बाघ आया। बाघ को देखते ही वह पहले बहुत डर गई, फिर कैसे भी करके हिम्मत जुटाकर बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ उसके ऊपर उछलने के लिए तैयार होते ही, बाघ राजा एक क्षण रुकिए, मैं आपको तीन सच बताऊंगी। अगर आप उन्हें सच मानते हो तो आपको मुझे बिना खाए छोड़ना होगा, बकरी की बच्ची ने कहा। बकरी की बच्ची की बातों को सुनकर बाघ ने कहा, हाँ ठीक है बोलो। आप बाकी के बाघों से आज मुझे एक बकरी की बच्ची सामने पड़ी, फिर भी उसे नहीं मारा, छोड़ दिया करके बोलने पर वे मानेंगे नहीं मानेंगे, यही सही है ना? हाँ सही है करके बाघ ने सिर हिलाया। ऐसे ही मैं भी हमारे बकरियों से आज मैं एक बाघ के हाथ आने पर भी उसने मुझे बिना खाए छोड़ दिया करके बोलने पर वे भी मानेंगे नहीं ना? यही सच है ना? हाँ सच है बोला बाघ। अब तीसरा सच, ये बात हम हमारे लोगों से बोलने के लिए मैं आपको कुछ नहीं करूंगी और आप भी मुझे कुछ नहीं करेंगे ना? यही सच है ना? बकरी की बच्ची ने कहा। उतनी छोटी सी बकरी की बच्ची उसके सामने खड़े होकर ऐसे हिम्मत से बात करने पर बाघ को बहुत अच्छा लगा। हाँ ये भी सच ही है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें छोड़ दिया, जाओ। बाघ ने हंसते हुए कहा। इससे छोटी सी बकरी अपने प्राणों को बचाकर खुशी से उछलती हुई आकर झुंड में मिल गई। इस कहानी की सीख है कि अपनी बुद्धि से किसी भी कष्ट से बाहर निकल सकते हैं। मुर्गी के आवाज से शेर का डर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ताकतवर था। उसे देखकर हर एक जानवर बहुत डरते थे। उसके आगे किसी को भी एक शब्द भी नहीं निकलता था। लेकिन उस डरावने शेर को एक कमी था, वो है उसका डर। एक शेर को कैसा डर, ऐसा सोच रहे हैं ना आप? लेकिन ये बात सच है। सुबह सुबह मुर्गी की आवाज सुनते ही एक शेर डर के मारे कांप जाता है। मैं जंगल का राजा हूँ और मेरा शरीर भी बहुत ताकतवर है। मेरा पंजा से कोई भी बच नहीं सकता। मेरा ताकत से पूरा जंगल ही डरता है। लेकिन क्यों मैं उस मुर्गी का आवाज सुनते ही डर रहा हूँ? ऐसा रोज वो शेर चिंतित होता था। उस डर की वजह से कभी कभी शिकार के लिए भी नहीं जाता था। एक दिन रास्ते में जाते हुए शेर को देखकर हाथी ने ऐसा पूछा, मृगराज आजकल किसी चीज से डर रहे हो? उस डर की वजह से कभी कभी गुफा के बाहर भी नहीं आ रहे हो। आपके चेहरे के ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं दिख रहा, क्या हुआ? शेर अपना दुख भरी कहानी हाथी को बताना चाहा। आप बड़े हो इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, क्या आपको किसी चीज से डर लगता है? अभी मैं आपको क्या बताऊं मृगराज, एक छोटी सी मक्खी आपको पता है ना, वो मक्खी मेरे पास आकर विचित्र आवाज से मुझे छेड़ता है। उससे मुझको बहुत डर लगता है कि उस छोटे से मक्खी की आवाज की वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। Oh.
इसलिए मैं हर वक्त अपने खान को हिलाता रहता हूँ। उससे कोई भी मच्छर या मक्खी मेरे पास नहीं आ सकता, और अगर आने से भी मेरे खानों के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा उस हाथी ने अपना पूरा कहानी शेर को बताया। हाथी की इस बात सुनकर शेर ने समझ गया कि कोई भी जानवर चाहे कितनी भी बड़ा हो, लेकिन वो किसी ना किसी छोटे से चीज से जरूर डरता है, और उसने सीखा कि उनसे चिंतित नहीं होना चाहिए। उस दिन से मुर्गी का आवाज सुनते ही शेर के चेहरे पर मुस्कान आता था और अच्छे से हंसता था। इस कहानी का नीति यह है कि अपने कमियों को भूलकर आगे बढ़ने से ही कामयाबी को हासिल कर सकते हैं।